तो 1 मिलियन पे हम बहुत बड़ा प्लान कर रहे हैं भाई, मीटअप रखने का। बहुत बड़ी गैदरिंग हम लोग करेंगे, बस्ती हो गया अपना फैजाबाद, लखनऊ, गोरखपुर, मतलब बहुत लोग कर रहे हैं। वो बता दिया जाए क्या? वही जो हम लोग प्लान कर रहे हैं। भाई साहब हम लोग प्लान कर रहे हैं एक न्यू साइकिल बाय करने के लिए। यस गाइस, हमारे पार्किंग में एक फैट बाइक और ऐड होने वाली है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे आप सभी लोग, होप करता हूं गाइस आप सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे। गाइस तो फिलहाल अभी बज रहे हैं 3:00 और लिटरली मैं सही बता रहा हूं ना गाइस, मैं सुबह को जानते हो दिन में कितने बजे उठा था, मैं 6 बजे सुबह को उठ गया था। उसके बाद मैंने वीडियो एडिटिंग की, अपलोड किया, पूरा होते होते समझ लो 10 बज ही गया था। उसके बाद फिर मैं 10 बजे दूसरी नींद मारा और फिर अभी यही उठ रहा हूँ भाई साहब, लिटरली मैं अभी यही उठ रहा हूँ 3 बजे। तो मैं 10 बजे सोया था, फिर 3 बजे उठ रहा हूँ, तो इसीलिए व्लॉग आज लेट स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि आज हमारी छुट्टी भी थी स्कूल की, तो नींद मैंने पूरा पूरा कर लिया भाई, अब रात में नींद भी नहीं आएगी मुझे। तो फिलहाल अभी देखो सनसेट होने वाला है, मतलब 5 बजे तो हो ही जाता है अब सनसेट। फिलहाल अभी देखो मैं छत पे खड़ा था। एंड गाइस आप लोग बहुत अच्छा प्यार और सपोर्ट दिखा रहे हो वीडियो पे, तो ऐसे ही दिखाते रहो और अच्छा अच्छा कॉमेंट करते रहो, वीडियो को लाइक करते रहो और हम नए नए कॉन्टेंट लेके आते रहेंगे आपके लिए। यस, और फिलहाल गाइस जीशान का सुबह से आता पता ही नहीं है, वो कहाँ पे खेल रहा है, घर में है ही नहीं वो। और ये देखो मैक्सू अपना इंतजार कर रहे हैं। मैक्सू की हालचाल? ये तो भाई दिन भर एकदम मस्त रहता है, खेलते रहता है इधर। ये क्या लगाया? अरे रुक, ये क्या है भाई? ये देखो भाई साहब, पता नहीं कहाँ से खेल के आ रहे, कहाँ था दिन भर रहे तू? अभी यही खेल रहा था यहाँ पे। ये देख इसके नाक पे, नाक पे मैं देखा पता नहीं क्या लगा के। ए ये क्या लगा? अब दूसरा कुछ लगा लिया, निकाल दे। तो फिलहाल गाइस अभी हम जीशान से मंगाने जा रहे हैं कचालू, तो एक्चुअली हमारे यहाँ का बहुत फेमस है, तो अभी ये लेके आएगा। हफ्ते में एक बार आता है, हफ्ते में एक बार आता है, तो आज आया है, तो अभी जीशान जा रहा है लेने के लिए, जल्दी लेके आना। एंड गाइस हियर इज बल्ला और समीर। समीर पता है सब लोग कमेंट में क्या लिख रहे हैं? सब लोग ये लिख रहे हैं कि समीर के ऊपर प्रैंक करो। यस, क्या बोल रहा है, कर दे प्रैंक। हाँ बता के करेगा प्रैंक, तो कौन सा प्रैंक किया जाए बताओ। गाइस आप लोग प्रैंक नहीं होने दूंगा। नहीं कमेंट करके गाइस बताओ कौन सा हम प्रैंक करें समीर के ऊपर। तो हम समीर के ऊपर जल्दी प्रैंक करने वाले, खतरनाक वाला भाई, इसको पता भी नहीं चलेगा तब। भाई साहब मैं स्क्रिप्टिंग बहुत तगड़ी करता हूँ, जब करता हूँ ना भाई, तब किसी को भी नहीं पता चलता कि किसके साथ प्रैंक होने वाला है। जैसे जीशान के साथ होने वाला था, उसको पता ही नहीं था, वो अनएक्सपेक्टेड था, कि वो सोचा था कि होगा ही नहीं ऐसा ना इसके लिए। तो समीर के साथ ही जल्द होने वाला है भाई प्रैंक, सोच लो अब। ये लो भाई साहब फाइनली आ गया हमारा कचालू, यहीं पे ओए ओए इधर ही वल्ला भाई समीर, ये लो रख दे। तो ये बता तुझे अलग अलग थैली में कौन बोला लेके आने के लिए? अलग अलग दिए ही हैं। हाँ। भाई साहब ये है यहाँ का फेमस कचालू, एक्चुअली ये आलू से बनता है और इसके नीचे देखो समोसे वगैरह रहते हैं और भी कुछ रहते हैं, पकौड़ी वगैरह, तो ये काफी ज्यादा मस्त लगता है भाई, खाओगे आप लोग तो बोलोगे मस्त लगता है। ये हम लोग बचपन से खाते आ रहे हैं और दादी दादू सब लोग खाते हैं बचपन। हाँ, से पहले वहाँ लगता था बाजार, लगता था वहीं पे खाते थे। तो फिलहाल गाइस अभी हम आ गए अपनी पार्किंग में, एक्चुअली हम देखने आए थे हमारी गाड़ी आई है कि नहीं, क्योंकि आज गाड़ी गई हुई है फैजाबाद, तो अभी गाड़ी हमारी आई ही नहीं है भाई। एक्चुअली अब्बू और चाचू गए हुए हैं कुछ, मतलब कुछ इम्पोर्टेंट काम था उसके लिए गए हुए हैं, तो गाड़ी आज सुबह से ही नहीं है घर पे। वो बता दिया जाए क्या? वही जो हम लोग प्लान कर रहे हैं एक चीज। अच्छा वो तो भाई साहब एक चीज बता दे सबको। तो भाई साहब हम लोग प्लान कर रहे हैं एक न्यू साइकिल बाय करने के लिए, एक्चुअली हमारे पार्किंग में एक न्यू साइकिल और आने वाली है। साइकिल नहीं बोल सकते, फैट बाइक उसको बोल सकते हैं। तो यस गाइस हमारे पार्किंग में एक फैट बाइक और ऐड होने वाली है, तो हम कल जाएंगे उसको देखने के लिए। एक्चुअली मैंने अपने यहाँ पे ना एक साइकिल की दुकान पता की है, बहुत बड़ी है भाई अपने आसपास में, तो वहाँ पे बहुत मस्त मस्त साइकिल है और फैट बाइक भी है वहाँ तगड़ी, तो वहीं पे चलेंगे। मैंने देखा एक ऑरेंज कलर के फैट बाइक है, कल आपको दिखाएंगे, तो कल वाले ब्लॉग में फैट बाइक दिखेगी, अगर बढ़िया होगी तो वहीं से उठा लेंगे, क्योंकि फैट बाइक का प्लानिंग बहुत टाइम से हम लोग का, क्योंकि जानते हो गाइस फैट बाइक रहती है ना, तो उससे ऑफ रोडिंग वगैरह कहीं भी, मतलब उसको चलाने में अलग मजा है भाई। फैट बाइक अरे तो ये तू तेरी है, तू नहीं चलाता है ना, तेरी रहेगी वो, सबकी रहेगी वो, कि वैसे भी कोई चलाता होता नहीं है भाई, अभी लात खाएगा, अब नौटंकी हो रहा है। चलो गाइस अब हम चल रहे हैं घर पे। ये लो हमारी गली भी आ गई, ये रहा हमारा घर। भाई साहब मैक्सो निकल गया, बच गया, बाहर जा रहा था, ये देखो रात हो गई है, बाहर जा रहा है ये लड़का, चल अंदर चल। क्या खा रहा है पहले खा ले। और ये देखो भाई साहब इधर चल रही है पढ़ाई वल्ला है समीर की, मैथ्स वगैरह सॉल्व कर रहा है समीर, लग रहा है इस बार टॉप कर जाएगा बोर्ड एग्जाम में। पॉलीनोमियल पता नहीं क्या निकाल रहा है। पॉलीनोमियल तुझे आता है? तो फिलहाल गाइस अभी देखो रात के बज चुके हैं 9 और अभी हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए,
तो अभी देखो सब लोग यहाँ पे खाना खा रहे हैं भाई बैठ के। बनाया दाल चावल और ये देखो ये वाला मिर्चा है जो इसको मतलब पता नहीं कैसे बना के रखते हैं, इसको फ्रिज में रहता है थोड़ा। और सिरका भी है उधर आया है। फिलहाल अभी तो मुझे भूख भूख नहीं लगी है भाई, क्योंकि शाम को मैं चौराहे पे गया था, कुछ खा लिया था इधर उधर, तो फिलहाल अभी भूख नहीं है। रोज नहीं भूख रहता है इस लड़के को, रोज बाहर का खाना खाता है। हाँ समीर ये बात सच है, डेली डेली का आदत है जीसान दबा के खा रहा है, क्या बात है वाह। तो भाई अभी देखो खाना वाना खा के फटफट ये लोग तो सो गए, जीशान और समीर अभी पबजी खेल रहा है। और भाई साहब अभी अभी मैंने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी लगाई है जो कि मीटअप से रिलेटेड है अपना, तो 1 मिलियन पे हम बहुत बड़ा प्लान कर रहे हैं भाई मीटअप रखने का, बहुत बड़ी गैदरिंग हम लोग करेंगे अगर मतलब आएंगे लोग तब, मतलब वैसे तो मैंने अनाउंस कर ही दिया है। तो 1 मिलियन पे भाई साहब मीटअप बहुत तगड़ा होने वाला है, वो भी अपने बस्ती सिटी में रखेंगे, क्योंकि हमारे इधर ना बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, मतलब बस्ती सिटी में जब भी निकल जाता हूँ ना भाई तो 10 लोग तो मिल ही जाते हैं आराम से, तो बहुत अच्छा भी लगता है भाई आप लोग का प्यार सपोर्ट देख के, बहुत अच्छा लगता है आप लोग से मिलके, सच बता रहा हूँ। और फिलहाल गाइज यही प्लानिंग चल रही है कि मीटअप कहाँ रखा जाए, क्योंकि गैदरिंग हो सकता है बड़ी हो तो कहीं बड़े जगह पे ही रखेंगे हम लोग, क्योंकि बहुत लोग मुझे इस हिसाब से लग रहा है कि गैदरिंग बड़ी होगी, क्योंकि बहुत लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं कि भाई मीटअप रखो इधर से, मतलब बस्ती हो गया अपना फैजाबाद लखनऊ गोरखपुर, मतलब बहुत लोग कर रहे हैं। तो गाइज यही प्लान है मीटअप रखने का, तो यही सारा कुछ हम प्लान कर रहे हैं, कहाँ होगा कहाँ नहीं, बहुत ज्यादा मजा आएगा भाई, सब लोग आना जो कोई भी अपने आसपास यूपी से हैं। आप लोग इंस्टाग्राम पे मेरे हैंडल पे जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे आप लोग भी वोट कर दीजिए जाके कि मीटअप रखें या ना रखें, मैंने कुछ पूछा जाके आप देख सकते हो। वल्ला भाई समीर क्या बोलते हो मीटअप रखा जाए? चक्का जाम करवाएगा क्या? अगर मैं स्कूल में बुला लूँ ना तो चक्का जाम हो जाएगा। मजाक कर रहा हूँ भाई, मतलब अगर बुला लूंगा तो बहुत बंदे स्कूल के बाहर भी वेट करते हैं, बहुत लोग मैसेज करते हैं मुझे ना। और गाइस फिलहाल हमें कल जाना है सुबह स्कूल, तो अभी फिलहाल इस ब्लॉग को कर देते हैं यहीं पे एंड। गाइस होप करता हूँ शॉर्ट एंड सिंपल ब्लॉग था, आपको पसंद आया भाई, अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ गाइस अच्छा सा कमेंट जरूर कर देना, आप लोग कमेंट आजकल थोड़ा कम कर रहे हो तो कमेंट कर देना भाई। कल का हमारा कुछ प्लान है बड़ा सा, आपको बताते हैं कल हम कहीं जाएंगे, तो यस गाइस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट ब्लॉग, जय हिंद बाय बाय, ख्याल रखना अपना, बाय। जोने दिन से मैं खाने लगेगा उस दिन घर खाली हो जाएगा, तेरा घर जाएंगे इसमें, समझा? तेरा घर जाएंगे इसमें ना।